Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistant Steel Students Economic Analysis by 001 lecture number 8. आज के इस लेक्चर में क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज प्राइसेस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन. लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद आप यूनिट 1 के तमाम लेक्चर्स का एक रिव्यू ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे आगे के चैप्टर्स. क्या है ये प्राइस सिस्टम या रिसोर्स एलोकेशन, ये क्या चीजें हैं. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राइस सिस्टम के हवाले से कि प्राइस सिस्टम क्या है. इकोनॉमिक्स में प्राइस सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का जिसमें प्राइजेस जो है ना वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, यानी कि अब जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनको मनी की टर्म्स में वैल्यूएट किया जाता है, उनको मनी की टर्म्स में वैल्यू दी जाती है और उनकी एक और टर्म होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितनी प्रोडक्शन की जा रही है. अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में आप यही चीजें स्टडी करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस. इसी तरह से प्राइसेस सिस्टम इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप प्राइस जो है वो मनी की टर्म्स में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है. इसके अलावा प्राइस सिस्टम जो है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और वो वेरी भी कर सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस को फिक्स्ड कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और ऐसा भी हो सकता है कि वो वेरी करे, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से वो प्राइसेस वेरी करे. इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं प्राइस सिस्टम के, कुछ फिक्स्ड प्राइस सिस्टम आ जाते हैं, कुछ फ्री प्राइस सिस्टम है, उसके अलावा एक और प्राइस सिस्टम है मिक्स्ड प्राइस सिस्टम जिसमें या तो वेरी करेगी प्राइस या वो फिक्स्ड रहेगी, कभी फिक्स्ड रहेगी कभी वेरी करेगी, इस तरह से उसके सिस्टम आ जाते हैं. अब अगर हम इन डेफिनेशन टर्म्स देखें कि प्राइस सिस्टम क्या है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हेल्प आउट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी चीज की कितनी प्राइसेस होनी चाहिए और किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट होनी चाहिए, यानी या तो प्राइसेस हाई हो या प्रोडक्ट, अगर हाई होंगी प्राइसेस तो किस तरह से मैनेज होगा, अगर प्रोडक्शन को कम कर दिया जाए तो किस तरह से मैनेज होगा. तो ये जो सिस्टम है ना प्राइस सिस्टम, ये एफिशिएंट प्रोडक्शन को लीड करता है, यानी कि अच्छी और बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जरूरी है एक अच्छा प्राइस सिस्टम. जब तक प्राइसेस सेट नहीं है, जब तक प्राइसेस प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है, उस वक्त तक कोई भी चीज कोई भी फैक्टर अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता. अब अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट और रिसोर्सेज का जो पैटर्न होता है ना, उसकी प्राइसेस बताती है फर्म्स को कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइसेस से ये चीज उन्हें पता लगती है. इसके बाद कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं प्राइस सिस्टम की. क्या क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं? इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अब जाहिर है अगर एक कंपनी है उसने अपनी प्राइस जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज रखी है, पर उसी चीज की प्राइस दूसरी कंपनी ने 18 रुपीज रख दी है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो है वो 18 रुपीज वाली चीज सेलेक्ट करेंगे. इसलिए प्राइस सिस्टम में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है और यही इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है. उसके बाद आ जाता है मार्केट फेलियर. अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उस प्रोडक्ट की कुछ प्राइस सेट कर दी, पर वो मार्केट के हिसाब से ना तो उसकी प्रॉपर डिमांड थी ना उसका प्रॉपर कंपटीशन था, तो मार्केट फेलियर हो गया, यानी कि उसमें या तो एक्सटर्नैलिटीज इन्वॉल्व हो गई. एक्सटर्नैलिटीज ऐसे होते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि उनकी वजह से ना एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पब्लिक गुड्स आसपास जो बाकी गुड्स हैं उनकी वजह से वो फेल हो रहा. एक और चीज आ जाती है प्राइस सिस्टम में, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी. अब इनकम इनइक्वालिटी क्या है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर बंदे की एक सी इनकम तो नहीं है, कुछ की इनकम ज्यादा है कुछ की इनकम कम है, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें सेलेक्ट करनी है ना. लाइक जिनकी इनकम ज्यादा हो सकते हैं वो हायर ब्रांड चीजों को सेलेक्ट करें, जिनकी इनकम कम है दे विल सेलेक्ट द नॉर्मल थिंग्स. तो इस तरह से प्राइस सिस्टम की बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं. लेकिन ये जो प्राइस सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब तक प्रॉपर प्राइसेस नहीं सेट, जब तक प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइस लेवल नहीं सेट किया गया, उस वक्त तक किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेस मार्केट में पॉसिबल नहीं है. अब आ जाती है बात रिसोर्स एलोकेशन की. रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि रिसोर्स एलोकेशन क्या है, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो मौजूद चीजें हैं, जो मौजूद वसाइल हैं, उनको किस तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि उनके उनका जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा आ सके.
इस चीज में कुछ मेन चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें सोशल अवेयर मेट्रिक्स आ जाता है, यानी कि जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए रिसोर्स एलोकेशन की जाती है. उसके बाद रिसोर्स हेटरोजेनिटी आ जाती है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी सिमिलर हैं, कितनी डिफरेंट हैं. उसके बाद एस्टिमेशन एक्यूरेसी आ जाती है कि क्या ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक्यूरेट हैं, नहीं एक्यूरेट, ठीक है, और इनकी क्या एस्टिमेशन है, यानी कि क्या ये फ्यूचर में जाके अच्छा आउटपुट देंगी या नहीं देंगी. उसके अलावा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है कि आपने जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है ना, जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसमें रिसोर्स को एलोकेट किया जाए. और उसके बाद स्केड्यूलिंग आ जाती है कि किस तरीके से इसका फुल पैटर्न सेट होगा. तो ये कुछ चीजें होती हैं जो रिसोर्स एलोकेशन में आ जाती हैं. अब जो हमारा टॉपिक है ना, प्राइस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें बहुत ज्यादा बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं. उनमें आ जाता है मार्केट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस, यानी जो जो चीजें इसमें आप ये कह रहे हैं कि जो जो चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, जो जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इसकी इस तरह से भी हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्राइसेस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन. उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, मार्केट्स आ जाती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि कितनी प्राइस रखनी चाहिए, किस फॉर्म में प्राइस होनी चाहिए. उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने इन डिटेल स्टडी किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि एक जो चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती हैं उनमें से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करने की कीमत है दूसरी चॉइस, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको अच्छे से स्टडी किया था. अगर किसी ने लेक्चर्स मिस किए तो प्लीज स्टार्टिंग से लेक्चर्स को व्यू करें, अदरवाइज फुल चैप्टर को समझना ईजी नहीं है. उसके बाद आ जाती है प्राइजेस. उसके बाद इंफॉर्मेशन कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट से और कंपटीशन है. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन में इंक्लूडेड होते हैं. अब कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्राइस सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि इतनी प्राइजेस होनी चाहिए. और उनमें जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो है स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8. आज मैं इन्हीं तीन स्टैंडर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी, फर्दर स्टैंडर्ड्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे. इन्हीं से आपको आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 3. तो स्टैंडर्ड 3 में क्या है कि मैंने इधर यहाँ पर कंप्लीट इसकी स्टैंडर्ड ही आपके साथ शेयर किए हैं इन स्लाइड, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. सबसे पहले क्या है कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एलोकेट करने के लिए. अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लोगों की चॉइसेस इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट का रोल इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो अब ये स्टैंडर्ड जो है ना, इसके हवाले से इसमें जो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नो मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स. यानी कि पहली चीज ये अज्यूम की जाती है कि कोई भी मैथड है, लाइक कोई भी मैथड है ना, फुली वो किसी हर बंदे की नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. यानी कि अगर आप एक चीज पे वर्किंग कर रहे हैं तो वो एक चीज कुछ लोगों को तो सेटिस्फाई कर देगी, बट हो सकता है काफी लोग सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है, और काफी लोगों की वॉन्ट सेटिस्फाई ना हो. उसके बाद देयर आर डिफरेंट वेज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट वेज हैं ऑब्वियसली. अब जो एलोकेशन होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें बहुत सारे वेज इन्वॉल्व होते हैं. कुछ बाय कमांड होंगे, यानी कि जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, कुछ प्राइजेस के हिसाब से होंगे, कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला प्रोसेस आ जाता है कि जो पहले आया वो पहले सेल हुआ, इस तरह की कुछ चीजें आ जाती है, कुछ लॉटरी, पर्सनल करेक्टरिस्टिक, ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. उसके बाद स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है. स्कार्सिटी के हवाले से हमने स्टडी किया था कि स्कार्सिटी क्या है, कि जब सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज्यादा हो जाए, यानी कि एक चीज की डिमांड ज्यादा हो गई, रिसोर्सेज कम हो गई, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, स्कार्सिटी आ गई, ठीक है. उसके बाद कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस होते हैं मार्केट इकोनॉमी में, वो इंक्लूडेड होते हैं. इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस जो करते हैं लोग, ठीक है, कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. इसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड 7 की तरफ मूव करें तो स्टैंडर्ड 7 हमारा क्या कहता है. अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड 3 है ना, दिस इज स्टैंडर्ड 3, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड 3, ओके. और ये जो बाकी है ना, दीज आर द बेंचमार्क्स. यानी कि बेंचमार्क्स क्या होते हैं कि इसको बताते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड है और इसके पीछे के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. इसी तरह से आपका जो स्टैंडर्ड 7 है, दिस इज योर स्टैंडर्ड 7. Maybe this color will show. Standard 7 क्या कहता है? Markets exist when buyer and sellers interact.
यानी कि जब मार्केट्स कब एग्जिस्ट करती हैं, जब ऑब्वियसली बायर्स और सेलर्स में एक कोऑर्डिनेशन बनती है और इस इंटरेक्शन से ही प्राइजेस डिटरमाइन की जाती हैं। जिस तरह के अगर तुम लोग देख रहे होंगे तो सेलर देख रहे होंगे कि यार इस चीज की प्राइस जो है ना ज्यादा होनी चाहिए, इस क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस वो उस हिसाब से सेट करेगा। अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लोग पसंद नहीं कर रहे, दे आर जस्ट लुकिंग एंड गोइंग अवे, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अब इसके भी कुछ बेंचमार्क्स हैं, यानी कि कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें। ये इंक्लूडेड है एक रिलेटिव प्राइस, इसमें आ जाती है कि एक प्राइस की दूसरी प्राइस से, दूसरे गुड्स की प्राइस से कंपैरिजन, ठीक है। इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 8। मैंने आपको बोला था हम जस्ट 3 स्टैंडर्ड स्टडी करेंगे, दैट इज 3, 7 एंड 8, क्योंकि बेसिक ये 3 ही स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्राइस सिस्टम और एलोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो ज्यादातर यूज नहीं किए जाते। अब इस स्टैंडर्ड के हवाले से क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज, मशीनरी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड द हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल कैन रेज फ्यूचर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। यानी कि अगर इस वक्त इन्वेस्ट किया जाए मशीनरी पे, न्यू टेक्नोलॉजी पे, चीजों पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो वो आगे का स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली अगर इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो फॉर फ्यूचर है ना, तो इसी तरह से प्राइजेस और रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से भी ये स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंस रखती हैं वो है स्कार्स रिसोर्सेज, यानी स्कार्सिटी का क्या रेशियो है, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड में कितने चेंजेस हो रहे हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर रही है, क्या उस पर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, या प्राइस सीलिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से शॉर्टेज हो रहा है, क्या सारा सिस्टम है, वो तमाम चीजें इसके अंडर आ जाती हैं। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा, प्राइस सिस्टम एंड रिसोर्स एलोकेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आइदर विद चैप्टर 2। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फेलोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।